हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मधु बायोलॉजी क्लासेस। आई एम हिमानी बनहार। नाउ आई एम टीचिंग यू सीलिया एंड फ्लैजेला। अबाउट द सीलिया फ्लैजेला, बिफोर स्टार्टिंग आई एम टेलिंग यू अबाउट सम डिफरेंस ऑफ बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। क्लियर? सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों का अगर मैं एक ओवरव्यू टाइप में अगर मैं देखूं तो ये है कि दोनों एक लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब बात आती है सीलिया एंड फ्लैजेला को मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकती हूँ, क्या सीलिया है क्या फ्लैजेला है। ठीक है, अगर मैं ओवरव्यू देखूं तो सीलिया की जो आप लेंथ देखोगे, क्या लेंथ अप्रॉक्स देखोगे, वो बहुत शॉर्टर होती है, शॉर्टर लेंथ होते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं फ्लैजेला की बात करूं तो फ्लैजेला आपके लॉन्गर होते हैं। सबसे इजी एग्जांपल मैं बताती हूँ जिसकी वजह से आप पूरा क्लियर कर लोगे सीलिया एंड फ्लैजेला। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ बैक्टीरिया। ठीक है, सपोज बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपने देखा होगा कि लास्ट में आपका लाइक दिस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एंड में जाके, ठीक है, ओवर द हेड, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैजेला एंड स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ओवर बॉडी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीलिया। क्लियर? अगर यहां पर देखिए नंबर ऑफ फ्लैजेला यहां पर दो हैं, अगर सिंगल वन हो तो उसे हम बोलेंगे फ्लैजेलम। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ सीलिया, अगर नंबर ऑफ सीलिया वन है तो उसे बोलूंगी सीलियम। क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ आपकी सीलिया प्रेजेंट भी कितने ज्यादा है अप्रोक्स, तो सेल पर सेल की अगर मैं बात करूं, क्या पर सेल की अगर मैं बात करूं तो सीलिया होते हैं नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सीलियम अप्रोक्स आपके 100 होंगे, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, वहीं अगर मैं फ्लैजेलम की बात करूं तो वो आपके नंबर 1 to 8 अप्रोक्स आपके फ्लैजेलम प्रेजेंट होंगे ऑन दिस सेल। ठीक है, यहां तक बात होने के बाद आपके शॉर्टर एंड लॉन्गर के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि अगर मैंने दिखाया कि देखिए छोटे छोटे हैं, अगर मैं सपोज बात करूं पैरामीसियम की, ठीक है, एक रफली डायग्राम है पैरामीसियम की। ठीक है, तो आपने देखा पैरामीसियम पे स्मॉल स्मॉल लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं लाइक दिस, ये दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अब मैं ये बात करूंगी इनकी, ये स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर है, तो आप क्लियरली बोल दोगे कि मैं ये सीलिया है। ठीक है, वही अगर मैं ये तो हो गया पैरामीसियम। सपोज क्लेमाइडोमोनास की बात करूं, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में हेड पर दो स्ट्रक्चर लाइक दिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप इनको देख के आप बता सकते हो, मैं अगर बोलूँ इसको क्या बोलेंगे तो आप बोल दोगे ये सीलिया है और ये जो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्या है फ्लैजेला। क्लियर? तो आप अकॉर्डिंग टू टेयर स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू टेयर शेप और साइज यू कैन डिस्क्राइब या यू कैन डिफ्रेंशिएट बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला। दैट्स क्लियर? Now, अब आपकी जो बात आती है, ये तो हो गए आपके स्ट्रक्चर के बारे में और सेल के बारे में जो मैंने बता दिया। देन अब जो बात है इनमें मूवमेंट कैसा होता है, मैं सिर्फ ओवरव्यू बता रही हूँ जिसे आपको समझ में आ जाए कि सीलिया फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है। कभी कभार क्या होता है कि हम पढ़ते जाते हैं लगता यही है कि सीलिया फ्लैजेला दोनों एक ही चीज है, लेकिन कुछ मोस्टली इनमें डिफरेंस है। ठीक है, वो पहले क्लियर हो जाएंगे, देन उसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी। अब मैं रोटेशन की बात करूं, सॉरी मूवमेंट की बात करूं, ठीक है, तो इनमें मूवमेंट कैसा होगा, इनमें सीलिया में जो मूवमेंट होता है वो रोटेशन मूवमेंट होता है। कैसा? रोटेशन टाइप मूवमेंट। ठीक है, वही फ्लैजेला की बात करूं तो वेव लाइक स्ट्राइक, वेव लाइक रोटेशन। अब इसकी जैसे है आपका बहुत सारे सीलिया ये है, ठीक है, तो इन सीलिया में रोटेशन जो होगा वो लाइक दिस, यानी कि आप डायरेक्शन गिवन मान लो आप। ठीक है, तो ये रोटेशन इनका इस टाइप में मूवमेंट करेगा। क्लियर? जैसे कि इस टाइप है। सेकंड, अब ये नहीं कह सकते जैसे कि बहुत सारे सीलिया होते हैं
डायरेक्शन में जा रहा है, ये इसका डायरेक्शन अलग होगा या इसका डायरेक्शन अलग होगा। अगर सारे के सारे सीलिया एक साथ मूव कर रहे हैं तो ये एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर सारे के सारे सीलिया आपके सपोज राइट साइड मूव कर रहे हैं तो वो सब जितनी भी बॉडी पर प्रेजेंट है वो सब राइट साइड मूव करेंगे। दैट्स क्लियर। देन बात आती है आपकी फ्लैजिला की। फ्लैजिला में जो मूवमेंट होगा वो वेव लाइक मूवमेंट होगा। आपका अगर ये फ्लैजिला है, ये वाला फ्लैजिला है, तो इसमें मूवमेंट जो होगा वो इस टाइप होगा। क्लियर। अब ये जो मूवमेंट दिख रहा है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप रोप ले लो, ठीक है। एक दूसरे हैंड पे किसी को मुझसे बांध दिया, देन उसे मैंने झटका, तो आपने देखा होगा जो उसकी मूवमेंट होगी रोप की वो लाइक दिस साइड, ठीक है, मूवमेंट इस टाइप में। तो वो जो मूवमेंट है वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है, वो कहां आपका प्रेजेंट होगा, वो फ्लैजिला में मूवमेंट होगा जिसकी तरह वो मूव करेंगे। क्लियर। अब बात आती है प्रेजेंट कहां होंगे। सीलिया एंड फ्लैजिला की मैं बात करूं तो सीलिया आपके टू टाइप्स के होंगे, होते तो तीन टाइप के हैं लेकिन मैं अभी आपको टू टाइप्स की बता रही हूँ, तीसरे की इतनी नहीं है क्योंकि वो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होता है, तो मैं उसका नेम बता दूंगी आपको। उससे पहले मैं आपके दोनों टाइप की जो आपके सीलिया है, टाइप ऑफ सीलिया, वो मैं पहले बताती हूँ, उनको क्लियर कीजिए। सीलिया टू टाइप से है अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। अगर सीलिया में मूवमेंट है तो उन्हें बोलते हैं मोटाइल सीलिया, और सेकंड होता है नॉन मोटाइल सीलिया। नॉन मोटाइल सीलिया की बात कर दूं तो नॉन मोटाइल, अब जो बात होती है वो मैंने आपको बताया था दो टाइप की आपकी सीलिया है, पहला आपका जो मैंने बताया था मोटाइल है, सेकंड है नॉन मोटाइल। सबसे पहले नॉन मोटाइल की बात करती हूँ, मोटाइल से आपको क्लियर हो रहा है मोटाइल, नॉन मोटाइल मतलब जिनमें मूवमेंट नहीं हो रहा वो आपके सीलिया कौन कितने कौन से होंगे नॉन मोटाइल, ये आपके प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन में। क्लियर। आपके सेंस ऑर्गन में नॉन मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यानी सेल के एक तरह प्रेजेंट होंगे, वो वहीं पर प्रेजेंट होने में बस वो एक दूसरे से कनेक्ट का काम करेंगे, मूवमेंट का काम नहीं करते। तो मोटाइल सीलिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, मोटाइल सीलिया आपके प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके नॉन मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पहला मैमेलियन फीमेल में, क्या आपके जो जो वो यहाँ पे एग या ओव्यूल आपका सीक्रेट होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में ट्रेवल करेगा, या ओवरी से जब फैलोपियन ट्यूब के मिडिल पार्ट तक आता है तो वो मतलब जाने के लिए मूवमेंट करने के लिए एग को मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, जैसे सपोज ये आपकी ओवरी और यहाँ से आपकी फैलोपियन ट्यूब, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे लाइक सीलिया, इन्हें सीलिया होते हैं जिनका मेन जो पर्पस है ओव्यूल जो आपके सीक्रेट हुआ है उस ओव्यूल की मूवमेंट को कराना है, कि उसे आगे की साइड मूव करना, तो ये आपके मोटाइल सीलिया के काम होते हैं यार, क्लियर, जिसमें हेल्प करती है। तो यहाँ पर बात आती है तो सीलिया का मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है, मूवमेंट में भी है और अदर जो हेल्प करते हैं जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक में और फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर भी एक आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर। अब मैंने बोला था कि नॉन मोटाइल और मोटाइल सीलिया के बाद भी आपका थर्ड टाइप का सीलिया प्रेजेंट होता है, उसे नोडल सीलिया कहते हैं। डेवलपमेंट के टाइम पर क्लियर। तो यहां पर आपके ये मैंने सीलिया
आर्केटाइप कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या वर्क करते हैं वो सब बता दिया। आती है बात फ्लैजेला की, तो फ्लैजेला आपकी बैक्टीरियल फ्लैजेला, आर्के फ्लैजेला, और सेकंड आपके ये मेन जो फ्लैजेला का वर्क है वो है सिर्फ लोकोमोशन में, ओनली इन लोकोमोशन, क्लियर। सेकंड स्पर्म में जो मोशन होता है, लाइक देखा होगा सपोज ये स्पर्म एंड ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनमें भी जो मूवमेंट है देखिए ये भी कैसे जा रहा है नीचे फिर ऊपर, ये मूव लाइक, ठीक है, तो ये वेव लाइक मोशन है प्रेजेंट है, तो इसमें भी आपके फ्लैजेला होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब मैं बात करती हूँ इसके स्ट्रक्चर की, आपके सीलिया एंड फ्लैजेला दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली सिमिलर होते हैं, क्लियर। अब आप मैं बताती हूँ डायग्राम के बारे में, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में, तो मैंने बताया था माइक्रोट्यूबुल्स आपके सीलिया एंड फ्लैजेला में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब सीलिया एंड फ्लैजेला का फॉर्मेशन आपके माइक्रोट्यूबुल के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो सीलिया एंड फ्लैजेला है आपके माइक्रोट्यूबुल के थ्रू फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फॉर्मेशन में मैंने कही थी कि इनमें प्रोटोफिलामेंट या प्रोटोट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं अप्रॉक्स 1 माइक्रोट्यूबुल में 10 to 13 आपके प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, टेक्स्ट क्लियर। अब मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मैं क्लियर करती हूँ। सपोज पहले इसका ओवरव्यू देखिए, जैसे कि आपकी कोई सेल है, ठीक है, सेल में आपका ये माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर। नीचे अगर मैं बात करूं तो ये जो बेस, तो इसे मैं बेसल बॉडी बोलती हूँ, बेसल बॉडी। अब यहां से बेसल बॉडी से स्टार्ट करके कर्कल एंड तक का पार्ट, इसे एक्सोन नेम बोलेंगे, क्लियर। यहां तक अब ये कवर किससे होता है, ये जो कवर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इनके स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, बात करूं तो मैं माइक्रोट्यूबुल की बात करूं तो माइक्रोट्यूबुल में क्या होता है, यहाँ पर स्टार्टिंग का मैं धीरे धीरे करके बताती हूँ। तो इसको अगर मैं ओवरव्यू देखूं, अगर देखोगे तो आप एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होगा, पेरिफेरल में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे आपके लाइक दिस, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये कनेक्टेड लाइक दिस स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा आपने हमेशा पढ़ते होंगे कि जो यूकैरियोटिक्स है उनमें 9+2 फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 9+0 फिलामेंट्स होते हैं, तो ये 9+2 और 9+0 का मतलब क्या होता है, 9+2 इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, और 9+0 इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है सेल। तो ये 9+2 और 9+0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 9+2 और 9+0 का मतलब है यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल को एक मतलब माइक्रोट्यूबुल को अरेंज करना, मतलब किस अरेंजमेंट इनका कैसा है। प्रोकैरियोटिक में पेरिफेरल में आपके 9 माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जीरो का मतलब सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसका हम जो फॉर्मूला लिख देते हैं वो 9+0 लिखते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ यूकैरियोटिक की, तो 9 माइक्रोट्यूबुल आपके पेरिफेरल में प्रेजेंट होंगे आउटर साइड एंड 2 माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होंगे आपके इन सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर को मैं अगर बड़ा करूं तो ये लाइक दिस स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको इस टाइप में, तो यहां पर जो आपका एक माइक्रोट्यूबुल में जब मैंने बात की थी, तो अगर मैं एक माइक्रोट्यूबुल ये वाला इसको अलग ले लू और इसको अलग ले लू,
तो ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी माइक्रोट्यूबुल, यानी कि पूरा तो माइक्रोट्यूबुल है, ये आपका ए ट्यूब हो गया और ये बी ट्यूब्यूल हो गया। तो वहां पर मैंने बताया था कि ऐसे आपके अप्रोक्स इनमें आपके प्रोटोफिलामेंट कितने अरेंज होंगे। तो अब मैं ए की बात करूं, ए ट्यूब्यूल में आपके जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं वो 13 हो गए हैं, 13 प्रोटो फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, वही अगर मैं बी ट्यूब्यूल की बात करूं तो उसमें आपके अप्रोक्स 10 प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये दो ट्यूब्यूल मिलकर वन आपका क्या बनाता है, वन माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है, और ये वन माइक्रोट्यूब्यूल जब पेरिफेरल में आपके अरेंज होंगे तो आपके नंबर कितने होंगे, 9 होंगे। अब ये जो आपकी ए और बी ट्यूब्यूल एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आए और जुड़ गए। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए टेक्टिन प्रोटीन होती है, आपकी ये जो टैक्टिन प्रोटीन होती है ये अल्फा हेलिकल या अल्फा हेलिकल प्रोटीन होती है, अल्फा हेलिकल, क्लियर, ये टैक्टिन प्रोटीन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका तो आपका एक लाइक दिस वन, एक मिनट में ऐसे रफ कर देती हूँ तो मैं बनाती हूँ तो उससे पता चल जाएगा। अब बात होती है यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर की, तो ये मैंने तो बेसिक बता दिया आपको कि ये बने कैसे होते हैं। अब ये अरेंज, तो 9 आपके एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा बोल कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 का अरेंजमेंट कर देती हूँ, जहां पर हर एक में आपका दो डबल माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होंगे पेरिफेरल में, कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके डबल माइक्रोट्यूबुल, डबल क्यों, क्योंकि दो थे, एक ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल दोनों मिलके डबल माइक्रोट्यूबुल बने, क्लियर। अब होता क्या है इसमें, ए के पास, ए ट्यूब्यूल के पास टू आर्म्स होती हैं डाइनिंग की, डाइनिंग मोटर की आपकी टू आर्म होती हैं। जब मैंने माइक्रोट्यूबुल बताया था तो माइक्रोट्यूबुल में मैंने काइनेसिन और ग्लाइनिन दो टाइप के मोटर प्रोटीन की बात की थी। तो आपके पास ए ट्यूब्यूल के पास दो आपकी लाइक दिस डाइनिन आर्म प्रेजेंट होंगे हर एक के पास, सपोज दिस, क्लियर। तो ये आपकी डाइनिंग आर्म हो गई है, डाइनिंग आर्म, ये आपके जो दो हैं ये डबल माइक्रोट्यूब्यूल, क्लियर। अब ये अरेंजमेंट हो गया, अब ये एक दूसरे से नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, या फिर इसको नेक्सिन प्रोटीन के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए लाइक दिस, थोड़ा रफली डायग्राम है जिससे बट समझ में आ जाएगा आपको, तो लाइक दिस ये आपके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम शो हो रहा है कि ये जो प्रोटीन आपकी कनेक्ट हुई एक दूसरे से, इन्हें नेक्सिन प्रोटीन कहते हैं, नेक्सिन प्रोटीन जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्लियर। बीच में अब ये तो नॉर्मल, अभी मैंने कही थी 9 प्लस 2, तो 9 तो आपके लिए पेरिफेरल में आ गया,
टू आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, वन टू सी वन एंड सी टू, क्लियर। सी वन एंड सी टू आपके कनेक्ट होते हैं और यहां पे इनके सीट प्रेजेंट होती है, सीट, सेंट्रल सीट। ये डायग्राम है जिसमें ये आपके क्या है, ये वाले सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है, सेंट्रल सिंगल माइक्रोट्यूबुल, सेंट्रल सिंगल माइक्रो ट्यूब्यूल, क्लियर। ये इसके चार तरफ है तो इसे सेंट्रल सीट बोलेंगे, सेंट्रल सीट, क्लियर। अब बात आती है कि आपका जो ए है यानी कि ए ट्यूब्यूल से सेंटर की तरह रेडियल रेडियल स्टॉक निकलेगा, स्टॉक स्कॉप, रेडियल स्कॉप। एक मिनट रुकिए, हर एक से ईच से हर एक से आपका यानी कि ए ट्यूब्यूल से ये ए और बी, हर एक से ईच ए ट्यूब्यूल से रेडियल स्कॉप निकलेगा। तो नंबर ऑफ रेडियल स्कॉप भी आपके कितने होंगे, 9 होंगे। ये आपके है रेडियल स्कॉप, रेडियल तो यहां पर ये रेडियल स्कॉप हो गया आपका, स्कॉप प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेडियल स्कॉप ही हो गया हेड एंड ये रेडियल स्कॉप। तो ये स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड, डाइनिंग आर्म के पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है, इस एटीपीएज एक्टिविटी के का यूज करके ये मूवमेंट करते हैं जिससे कि जो लोकोमोशन होता है या मूवमेंट जो आता है वो डाइनिंग आर्म के पास प्रेजेंट एटीपीएज एक्टिविटी की थ्रू एटीपीएज आपका हाइड्रोलाइज होकर के एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। उस एटीपी का यूज किस में करते हैं, लोकोमोशन में, क्लियर। तो यहां तक मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया है, तो स्ट्रक्चर में ओवरव्यू और बता देती हूँ। आपके 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल में प्रेजेंट होते हैं और 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ईच आपके ट्यूब्यूल में 2 डाइनिंग आर्म्स प्रेजेंट होती हैं और ईच माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे से नेक्सिंग प्रोटीन के थ्रू कनेक्ट होती हैं। देन हर एक माइक्रोट्यूब्यूल से रेडियल स्पोक सेंटर की तरफ जाता है, ठीक है, और सेंटर की तरफ जाता है जहां पर आपका इस पूरे स्ट्रक्चर का जो मूवमेंट है वो डाइनिंग आर्म के पास प्रेजेंट एटीपीएज एक्टिविटी की वजह से वो मूव करता है। तो यहां तक मैंने आपको ये पूरे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।